क्यों बोलेंगे हम? तुम बोलो ना, हम तो बोल रहे कि तुम बोला है, तुम बोला नहीं बोल रहे, तो तुम कसम खा लो बस, बात उतने कसम काहे के लिए देंगे तुमको खाना? तेरे लिए बनाया का? कटहल लाया तो कटहल खाओ ना, कच्चा रख दिया एक टुकड़ा, जाओ सामने आ जाता है, माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, और ऊपर से जब बहयात बहयात बात करता है, मन करता है। हाँ आधा दर्जन जाओ, अब 30 रुपीज रिटर्न होगा, जल्दी लेके आओ, इधर ही से जाओ, इधर बोल तो दिए हैं। दुकान वाला भी कभी कभी ना बेवकूफ़ बना देता है जब बच्चा लोग को देखता है तब। मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, बिना पैरों के 24 घंटे लगी रहती हूँ। कुछ लोगों को मेरा सिर्फ जबान दिखता है, कोई मुझे बदतमीज़, कोई पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन कभी कोई मेरा हिम्मत नहीं देख पाते हैं। अगर यही कोई नंगा आदमी नंगा नाच कर रहा होता तो आप सबका बहुत ज़्यादा उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट गाली ही भले सही लेकिन मिलता उसको ज़रूर, लेकिन हम जैसे लोगों को कोई लाइक सब्सक्राइब करने वाले नहीं है, सपोर्ट करने। राधे राधे दोस्तों, बृतिचुरस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी आपने वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों सुबह हो चुकी है, आज है बुधवार, और बुधवार सगुन का स्कूल है, तो मैं जा रही हूँ सगुन के लिए लंच और उसका खाने के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए बनाने के लिए, तो वो करूँगी। और बच्चे इधर अभी तक सोए हैं, हम लोग इसी रूम में सो रहे हैं, बता चुके हैं कि बाथरूम वाथरूम में ताला बंद करना पड़ता है और यहाँ पानी बचाना पड़ता है, एक चोर है जो चोरी करता है पानी वानी, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पहरेदारी के लिए सोना पड़ता है इस रूम में। हालांकि नींद नहीं आता, आदत नहीं है, उसी रूम में कम्फर्ट है, मगर यहीं पर सो रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक दो दो बूंद का पानी हम लोग को बचा के चलना होगा। तो आज का ब्लॉग है बहुत खास, क्योंकि आज मैं सोची हूँ कि मैं मेरे क्लास जाऊँगी ट्रेनिंग सेंटर में, मगर खास क्या है वो मैं वीडियो के बीच में बताऊँगी। अभी खास है आप लोग तो देखिए मैं क्लास जाती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जाऊँगी, है कुछ बात, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। और चलिए जल्दी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ इधर का। बन गया खाना, रोटी और आलू का भुंजिया, फटाफट से यही बनता है और कुछ ऑप्शन भी नहीं रहता है, तो यही खाएगी भी यही लेके भी जाएगी, तो इधर बैठी है खा रही है, बहुत स्लो है इसको, खाने के पीछे बहुत बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा माथा खराब हो जाता है मेरा। एक रोटी जानते 4 घंटा लगा देगी एकदम, जब तक थप्पड़ उपड़ नहीं दीजिएगा नहीं खाएगा, सबके सब वही है। अभी वो भी सोया हुआ था मज़े से, अभी जब सुनाना शुरू किए उठ के गाड़ी स्टार्ट किया, नदी गया है, 2 दिन से नदी ही जा रहा है टट्टी करने के लिए, बाथरूम हम खोल नहीं रहे तो वो चला जा रहा है वहीं पर। हमको तो बोल देता है कि जा करके सगुन को ले आना, कितना दिक्कत होता है एक औरत को, सुबह 5 बजे उठिए, घर का काम करिए, बच्चों को तैयार करिए, स्कूल भेजिए, बनाइए, फिर लाने भी जाइए, फिर ला के फिर खिलाइए, उसके बाद फिर पढ़ाइए, हमारे लिए कहाँ समय बचता है? इतनी परेशानी, इतना करने के बाद भी आदमी यही समझता है, तब नहीं मन करता कोऑपरेट करने का, करो तुम फिर सब खुद करो। क्या ही बोलूं दोस्तों, परेशानी ना एकदम आती रहती है, आती रहती है। सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत हड़बड़ाहट वाला होता है। लंच उसका डाले हम, देखिए बेड पे पड़ा हुआ ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे वही जो मनहूस आदमी है ना, एक कपड़े से इसको कवर कर दिया था, बाबू सोया था तो उसका रेस्पॉन्स मतलब मच्छरदानी बाबू से हटा रहा था, उस पर चिपका हुआ था मच्छरदानी, अब मच्छरदानी हटा रहा था उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया, हम लोग को पता ही नहीं चला कि उसका लंच बॉक्स यहीं रह गया। अभी जब चली गई है, हो गया काफ़ी समय, तब अब मैं जब इधर काम करने जा रही हूँ तो देख रही हूँ बच्ची का लंच बॉक्स यहीं है, कल पानी इसी तरह रह गया था, आज लंच बॉक्स इस रूम में सोया था, इस रूम में बिछावन तक सही से नहीं करता है, बिछावन तक सही से नहीं करता है, और जब बोलिएगा ना तो क्या कहेगा, कर देंगे ना, कब करेगा, निकल के गया था उसको स्कूल छोड़ने, अभी 9 बज रहा है, 9 बजे भी उधर से क्या क्या करके आया, तो कब उठाएगा, कब बिछावन तुम ठीक करेगा। आदमी सो के उठता है और सबसे पहले अपना जो सोया हुआ चीज है उसको तय करके रखता है, कोई नौकर नहीं है ना घर में कि उधर करेगा इधर करेगा और फिर यहाँ आके करेगा। हम किसी का काम करने के लिए नहीं बने दोस्तों, बहुत मजबूरी हो करके मैं बच्चों का काम करती हूँ, बहुत बहुत परेशान हो करके, है ना, और हम थर्ड किसी का हम ठेका नहीं ले रखे हैं, मेरे शरीर में खुद इतना कष्ट है कि कोई मेरा काम करके जाए, बट हम क्यों करें किसी का। हाँ कोई नहीं उठाएगा मेरा खर्चा, इसीलिए हमको, और खर्चा कौन उठाएगा, किसके है दम तो बोले कि क्या क्या खर्चा उठाता है, खर्चा लोग उठाएगा, 2 टाइम खाते हैं ना, वो भी पूरा दिन भर काम धंधा कर करके मर जाते। खाओ ना, आम नहीं है, जाके आम खाओ ला के।
खाओ आम, आम ला के खाया था, आज हो गया 5वां दिन, तब से ही इसका खाना ही बंद कर दिए। मांग रहा खाना, खाना दो ना कुछ, रोज रोज बाहर का खा के पेट हर हर आ गया है। आम ला के यही बैठा था इधर ही ऐसे चप्पर चप्पर खा रहा है। कभी भी ना अपनी बीवी से पंगा नहीं लो, दुनिया में कोई मुंह सॉरी पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। बीवी जो पंगा लेता है वाकई वो नंगा हो जाता है। तू नंगा कर देंगे, अभी हुआ क्या? देखिए 2 ही दिन में 5 ही दिन में इसका मुंह देखिए कैसा हो गया है। हाँ जो लेगा बीवी से पंगा वो हो जाएगा नंगा। 5 ही दिन में, 5 ही दिन में, एक्स्ट्रा दिन भी नहीं, 5 दिन में मुंह ही कर ऐसा चुटरी हो गया। ठीक है, आता है आदमी दे रहा है गरम खाना, भाई दिन भर बच्चे परेशान करते हैं, कोई चीज एंटरटेनमेंट का नहीं है, किसी अड़ोसी पड़ोसी दुनियादारी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो तुम हमको कहे तुम बोलते हो तो अचर पचर। अभी तुम कुछ नहीं बोला है, खाना अपने उस बुढ़ी माँ का क्रिया खा, अपनी उस जहान जवान बहन का कसम, और दोनों उसका भगना लोग का कसम, तेरा भगना मतलब जवान जवान है, खाओ कसम। क्या बोले तुम बोलो, क्यों बोलेंगे हम, तुम बोलो ना, हम तो बोल रहे कि तुम बोला है, तुम बोला है, नहीं बोल रहे तो तुम कसम खा लो बस, बात उतरे कसम। काय के लिए देंगे तुमको खाना, नहीं तेरे लिए बनाया का कटहल मंगाए थे, कटहल लाया तो कटहल खाओ ना कच्चा, रख दिया एक टुकड़ा, जाओ होटल में जो पैसा देते तुम ही को देंगे। ना ये सोचता है ना कि पैसा के बल पे प्रीतिया बिक जाएगी, हर कल बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे तुम जैसे नमक हलाल को खिलाएंगे, ग्राहक तो यार ग्राहक का पिछवाड़ा मार के लटिया से लाल कर देते हैं हम। नहाओ ना तुम, दूध वाले चाचा है आजकल फ्रिज में से दूध देते हैं क्योंकि दूध खराब हो जाता है, सोचिए वो दूध बेच के फ्रिज ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन तो असल कमाई है पागल, देखिए इस आदमी का देखिए क्या बर्तन वही है, दूधी में कमाई है, कितना मेहनत है तो देखो ना, चाचा का मुंह देखो और अपना देखो हुलिया, सभी में मेहनत है, हमको ऐसा रहना पड़ता है ना। हाँ रहना पड़ता है, करो ना मेहनत वाला काम तो पता चलेगा, लाख मना करिएगा लेकिन ये सब काम ये जबरदस्ती करता है, बहुत ज्यादा जबरदस्ती है। ठीक है, यही काम करने में जबरदस्ती नहीं करेगा, चाहे तो अपनापन दिखाने में जबरदस्ती कभी नहीं करेगा। अभी कह रहा बहुत स्वादिष्ट बना है क्योंकि अभी इसको खाना का कीमत मालूम है, यही 2 दिन बाद आप जब खुद से देने लगेगा ना इस चीज का कीमत नहीं रह जाएगा। बहुत मजबूर करता है सामने वाला इंसान, तब जा करके मुझे ना इसको इतना जिल्लत करना पड़ता है, क्योंकि एक तो इसका पिछला कर्म, जब भी ये नया कुछ करता है सब पिछला कर्म मेरे सामने आ जाता है, माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, और ऊपर से जब भैया भैया बात करता है मन करता है तो मुंह उलट दे खाना पीना। लेकिन एक अंदर में औरत को ना भगवान पता नहीं क्या देके भेजा है, जो इसकी माँ में नहीं है, इसकी माँ में ई माँ और बीवी में कंपेयर करता है मर्द लोग स्पेशली, माँ भूखे पेट नहीं रहने देती है। इसके घर गए थे जब भी यही हाल, भूखा था, आते समय भी लोगों ने पूछा नहीं, कौन पूछता है, बीवी पूछती है। एग्जाम्पल गलत मत दिया करो, इसके लिए भी और बाकियों के लिए भी है। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग तैयार हुए हैं नहा धो करके, और अब चल रहे हैं मेरे ट्यूशन, उससे पहले शगुन के यहाँ जाएंगे, शगुन को लेंगे, और बहुत मुश्किल से जानते हैं शगुन का आज हमको लंच भी लेना पड़ा है, कारण कि लंच उसको वहीं पे खिला देंगे, उसका कपड़ा भी ले लिए हैं और बहुत कुछ ऐसा। बाबू भी इधर है ना बेटा, चल रहे हम लोग क्लास, और बाबू ना इतना भारी बैग था ना, उसमें दो दो लंच है, पानी का बोतल है, और बाबू को जल्दी जल्दी और इसका आज हम लोग नया वाला गाड़ी ले लिए हैं, जो हमको मेरी सब्सक्राइबर दी थी, बहुत अच्छा बाबू के लिए पार्सल आया तो उसमें से एक रख दिए थे, तो आज एक क्लास में दे देंगे, खेलता रहेगा और शगुन वहीं पे अपना होमवर्क करेगी, और बाबू पे लाद दिए थे भारी सा बैग, बेचारा जल्दी जल्दी से जा करके ऐसे ऐसे करके और रखाया मेरे गाड़ी पे। अब चलिए फटाक से हम दरवाजा उरवाजा बंद करते हैं और चलते हैं सीधा शगुन के पास। आसान जर्नी मेरा नहीं है दोस्तों, ताला ढूंढ रहे थे, उस रूम का ताला था, ये रूम में टंगा हुआ नहीं है, हम बोलते हैं जिसको जहाँ रहता है ना वहीं पे लगा के उसको लॉक कर दो, अगर लॉक नहीं करके रखता है फिर ये बच्चा ताला इधर उधर कर देता है, फिर नहीं मिलता, ताला ढूंढने में ये हालत हो गया। अभी फोन किया तो बोला कि हो सके झोला में होगा, अभी चलिए बड़ा बड़ा टाइम भी हो रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी आए सोच के कि लेट हो रहा है बोल के, जब यहाँ आए ये शगुन के स्कूल से थोड़ी सी पीछे
तो अभी बहुत समय मतलब अभी 20 हुआ है, 10 मिनट ऐसे बचा हुआ है और फिर बहुत भीड़ लग जाता है। पिछले बार देखे थे कितना झमेला हुआ था और कितना पब्लिक एकदम कर रहा था, तो हम सोच रहे इधर ही रुक जाए, जब सारे बच्चे आ जाएंगे तो अपनी बेटी को लेंगे और चलते चलेंगे, क्योंकि पंगा क्या लीजिएगा, वैसे भी नसीब ख़राब रहता है ना, तो कुत्ता भी मतलब भौंकता है, नहीं क्या बोलते हैं, समय ख़राब रहता है ना, तो ऊँट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, तो वैसे मेरा समय ख़राब ही रहता है हमेशा भाई, सब कोई उलझ ही जाता है, हम भी उलझ ही जाते हैं, इसीलिए इधर ही रहेंगे है ना, फिर चले चलेंगे। तो छुट्टी हो चुकी है लगता है, सब लोग धीरे धीरे अगर आ रहे हैं, देखिए अब हमको जाना चाहिए, 5 मिनट हो गए, छुट्टी हो गई चाचा, सब कोई निकल गया, अच्छा भीड़ नहीं, हाँ आधा दर्जन जाओ, अब 30 रुपीज रिटर्न होगा, जल्दी लेके आओ, इधर ही से जाओ इधर। तो यही वो जगह है जहाँ पे मेरे 3 नन्हे मुन्ने फरिश्ते ने मदद किया, यानी कि भगवान खुद तो नहीं आ सकते लेकिन वो जरिया भेजते हैं, बनते हैं किसी का मदद करने के लिए। तो यहाँ पे मैं शगुन को बनाना दे खरीदने के लिए भेजी और यहाँ पे मुझे जाना था उस साइड रोड पे, लेकिन यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक कि मेरा जाना असंभव सा लग रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं कौन सी गाड़ी ठोक देगी। दोस्तों यहाँ पे 4 छोटे छोटे बच्चे आए हैं, मुझे मैंने देखा कि वो बच्चे इधर से उस साइड जा रहे हैं, मैंने उनसे बोला बाबू मुझे भी अपने साथ लेते चलो ना, पार कर दोगे बाबू, तो उन लोग बोला कि हाँ दीदी कर देंगे। फिर बच्चे ने लाइन बनाया बहुत अच्छे से और चारों कवर करके रोड को और मुझे वो साइड पहुंचा दिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सेफली उधर पहुंच गई और मुझे इतनी खुशी हुई कि आज का वीडियो मैं उसके लिए उन बच्चों के लिए है। मैं दुआ करती हूँ कि भगवान उनकी ब्राइट फ्यूचर करे, ऐसे बच्चों को देश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सफ़र पे रहते हैं ना लगता है सफ़र अब ख़त्म ही नहीं होगा, इतना भयानक रहता है ना, सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक से सर दुखता है। अभी हम लंच टाइम तक पहुँचे हैं तो सबसे पहले शगुन को लंच उंच करा देते हैं क्योंकि इसका हालत ख़राब है, फेस उस धुला करके फिर क्लास करेंगे। तो ये हमारे यहाँ का केबिन है, यहाँ पे लोग बैठते हैं वेटिंग रूम में, तो हम आज खाना यहीं पे खिला रहे हैं शगुन को क्योंकि उधर अच्छा नहीं लगता है, चावल लेके आए हैं तो चावल अगर बच्चे लोग नीचे गिरा देंगे क्लासरूम में, वैसे तो मुझे टीचर कहीं भी खाने बोलती हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनका कहना है कि तुम कहीं भी खा लो, और हम जैसे लोगों को तो बहुत जगह लोग समझते हैं, ऐसी बातें नहीं है, हमारे टांग तो वही खींचते हैं जो हमारे अपने होते हैं, बाकी पूरी दुनिया तो हमें सपोर्ट ही करती है। और देखिए मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं है दोस्तों, बच्चे लेकर हर जगह। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, आधा रास्ता में हम लोग क्रॉस कर गए हैं और इसका सीट बेल्ट लगा लिए क्योंकि ये सोने लग रहा है, सुबह भी जाते जाते इतना जगह सो रहा था ना, बहुत दिक्कत हो रहा था, तो इस वजह से बांध के लेके गए थे और अभी भी लेके बांध के ही जा रहे हैं। शाम हो गया, 5 से ऊपर हो गया, हम लोग निकले ही थे 5 बजे, छुट्टी आज 5 बजे हम लोग लिए, लेट आए थे तो लेट ही जा रहे हैं। 8 बज गया दोस्तों, हम तो 7 बजे ही आए थे लेकिन 1 घंटा वहाँ खड़े थे बाहर में, जो सर्वन लोग रहते हैं वहाँ पे, कारण कि वो थोड़ा प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं तो उनको पता चला हम ब्यूटिशियन जाते हैं तो ब्यूटी मतलब सीख रहे हैं, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट वो चाहते हैं कि हम ले लें उनसे, चाहे तो वहाँ पे और लोग हैं उनको दिला दे, तो वही बोले कि थोड़ा डिस्काउंट में करिएगा तो लेंगे, क्योंकि हम जैसे लोग तो आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हम लोग को, तो वहाँ पे लग गया टाइम, अब फटाफट से जा रहे खाना बनाने। दोस्तों मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, बिना पैरों के 24 घंटा लगी रहती हूँ। कुछ लोगों को मेरा सिर्फ जबान दिखता है, कोई मुझे बदतमीज़, कोई पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन कभी कोई मेरा हिम्मत नहीं देख पाते हैं। अगर यही कोई नंगा आदमी नंगा नाच कर रहा होता तो आप सबका बहुत ज़्यादा उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट गाली ही भले सही लेकिन मिलता उसको ज़रूर, लेकिन हम जैसे लोगों को कोई लाइक सब्सक्राइब करने वाले नहीं है, सपोर्ट करने वाले नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी मेहनत करती रहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं अच्छा करूँगी तो ऊपर वाले हमको एक दिन फल जरूर देंगे। दोस्तों मिलेंगे आप सभी से बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, और आज मेरे बालों पे नया नया सब कुछ हुआ है, देखिए एक बार दिखा देते हैं, तो तरह तरह का 3-4 जुड़ा बना जो मैं स्क्रीनशॉट में लगा दे रही हूँ, आप सब देखिए, और यही सब वहाँ पे होता है, बस ये बच्चों से मैं परेशान रहती हूँ। चलिए बाय।